थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर एक स्पेक्ट्रम है, और भी स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, अगर एक कुछ रेज को एक पैटर्न में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप शो करोगे या फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग शो करोगे, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो आपका ठीक है, ये जो आपका स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और विजिबल रेज जो हम देख पाते हैं, जिसके अंदर सातों रंग होते हैं। ठीक है, इधर की ओर आप जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, इधर की ओर जाओगे आप तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, इन सभी वेव्स की कुछ फ्रिक्वेंसी है और कुछ वेवलेंथ है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी में बीच में एक ऐसा पोर्शन है कि उस वेव्स की जो वेवलेंथ है, वो ऐसी वेवलेंथ है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर उस विजिबल लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करोगे, तो सात कलर आपको दिखाई देते हैं। तो इतनी बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनम ऑफ ऑल रेडियंट एनर्जी कैन बी प्लॉटेड आइदर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी चार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो मैंने अभी कहा है ना, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की जो एनर्जीज हैं, वेव्स हैं, उनको अगर एक चार्ट में आप शो करते हो, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। डेफिनेशन आ जाती है दो नंबर में इस तरह की। इट रेंज फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ इंक्लूडिंग एक्स रेज एंड गामा रेज टू लॉन्गर वेवलेंथ माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, शॉर्टर वेव्स में ये एक्स रेज होती हैं और लॉन्गर वेव में आपकी माइक्रोवेव रेडियो वेव होती हैं। तो दोबारा इसी पैटर्न पे आ जाते हैं, तो इस पैटर्न में दिखा रहा है कि लॉन्गर वेव लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर एनर्जी। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना, इसको लॉन्गर वेव, अगर वेव का ये आपका लॉन्गर है, यानी कि इसके जो पीक हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, उसी को बोलेंगे हम लॉन्गर वेव, लैम्डा से इसको हम बताते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी, ऑब्वियस बात है कि इसको एक साइकिल लगाने में टाइम लगेगा, तो फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी इसकी, है ना। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक साइकिल लगाने में जो टाइम लगता है ना, फ्रिक्वेंसी 1 साइकिल पर सेकेंड। तो एक साइकिल लगने में जो टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लो। और इसी तरह से इसकी एनर्जी क्या होगी, लो। ठीक है, एनर्जी भी हो गई लो। और अगर फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज, शॉर्टर वेवलेंथ, सॉरी, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, यानी कि पीक बार बार पीक आया जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पीक आया जा रहा है। आप खुद ही सोचो, और सिंपल एक बेसिक एग्जांपल से, एक वॉल में आप हथौड़ा मारे जा रहे हो, हर सेकंड में मारे जा रहे हो, तो जल्दी टूटेगा। अब एक हथौड़ा अब मारा, फिर 1 घंटे बाद दूसरा हथौड़ा मारा, तो देर में टूटेगा, टाइम भी बीच में ले रहा। तो वही है, एनर्जी हायर हो जाएगी अगर ज़्यादा छोटा छोटा टाइम में आपके पीक आ रहे हैं। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी क्योंकि साइकिल छोटा लगाना पड़ रहा है उसको, है ना। तो शॉर्टर वेव, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी। ये जो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कॉम्बिनेशन ये न्यूमेरिकल हो या फिर किसी भी चीज़ में काम आ सकती है। अगर शॉर्टर है आपकी वेवलेंथ, तो जो दो बाकी चीज बची वो दोनों हायर होंगी। अगर आपकी लॉन्गर है वेवलेंथ, तो बाकी दो चीज लोअर होंगी। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सटेंड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें बहुत, मतलब इतनी बड़ी रेंज है वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तभी हम
जो हमारे जो सेंसर हैं, जो बताए थे एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे इतने सारी वेवलेंथ है, वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जितना ज़्यादा वेरिएशन उतनी ज़्यादा आप डिटेल पता कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया था कि जो हरे पत्ते हैं, जो हरे पत्ते हैं आपके, वो क्या करते हैं, जो नियर इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड के नियर वाला जो पोर्शन है विजिबल लाइट का, वो आपका ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, हरे पत्ते। लेकिन दो हरे पत्ते हैं, उनमें से कौन सी चीज़, कौन सा पत्ता, कौन सी वेजिटेबल या किस चीज़ किस उसकी कैटेगरी क्या है, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सब वेरिएशन होगा, रिफ्लेक्ट तो दोनों ज़्यादा कर रहे हैं किसको, नियर इंफ्रारेड रेस को, बट इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होगा वेवलेंथ का, फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो इस इतने सारा आपके पास वेवलेंथ इतनी ज़्यादा रेंज में है, इतने ज़्यादा वेरिएशन है, उस वेरिएशन की वजह से आप ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पता कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी रेंज में वेवलेंथ आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स ग्रुप्ड इनटू टाइप्स ऑफ द सिमिलर वेव एंड सिमिलर वेवलेंथ, ठीक है, बात करते हैं। जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ 100 से स्टार्ट हो रही है और उसके बीच में रहती है, फिर माइक्रोवेव की 10 सेंटीमीटर, इंफ्रारेड की 1 mm, विजिबल लाइट की 0.01 mm, अल्ट्रा वोलेट की 100 नैनोमीटर, एक्सरेज की 1 नैनोमीटर और गामा रेज की 0.1 नैनोमीटर। स्मॉलर वेवलेंथ यानी कि सब चीज़ हायर, हायर एनर्जी, हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो सब चीज़ लोअर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज कंटिन्यूस सीरीज इन ऑर्डर टू चेंजिंग वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी तरह जो आपका है ना सिलेबस में जो जो अभी तक पढ़ाया है, अभी एक्टिव सेंसर पेन, उनको सबको डिटेल में पढ़ना है, बस इसमें इतना ही है इस यूनिट में आपका। फिर एक एक चीज़ को बताया हुआ है, रेडियो वेव कैप्चर, रेडियो वेव इमिटेड बाय रेडियो स्टेशन ब्रिंगिंग योर फेवरेट ट्यून्स, जो आपको FM पे रेडियो, इतने मेगाहर्ट्स फ्रिक्वेंसी की यूनिट मेगाहर्ट्स में होती है, हर्ट्स में होती है ना, तो जो आप सुनते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग योर फेवरेट ट्यून, रेडियो वेव्स आर ऑल्सो इमिटेड बाई स्टार्स एंड गैसेज इन द स्पेस। माइक्रोवेव रेडिएशन विल कुक योर पॉपकॉर्न इन जस्ट अ फ्यू मिनट, बट इट ऑल्सो यूज योर एस्ट्रोनोमर टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाई गैलेक्सीज। इंफ्रारेड नाइट, जो आपका रिमोट काम करते हैं ना, वो सब इंफ्रारेड पे काम करते हैं, ठीक है। नाइट विजन गोगल्स इससे बना सकते हैं, पिक अप द इंफ्रारेड लाइट इमिटेड आवर स्किन, स्पेस इंफ्रारेड लाइट हेल्प आर मैप एंड डस्ट बिटवीन द स्टार्स। अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एंड द रीजन स्किन टैन बर्न्स एंड हॉट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस ऑल्सो। आपको पता होगा जो ओजोन है वो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करती है, हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो रहता ही है धूप में स्किन में। एक्स रेज डेंट इज यूज, क्योंकि एक्स रेज इमेज टू योर टीथ एंड एयरबोर्न सिक्योरिटी, यूज देम टू थ्रो योर बैग एंड गैसेज, यूनिवर्स ऑल्सो इमिट एक्स रेज, ठीक है। एक्स रे से एक्सरा होता है क्योंकि उसकी जो वेव लेंथ है वो क्रॉस कर जाती है आपके मसल्स को और बॉन्स को, नहीं कर पाती इतना अच्छे से, तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। गामा रे, डॉक्टर गामा रे इज ट्रीटमेंट फॉर द डेंजरस डिसीज। उसके बाद यहाँ दिखाया गया है कि आपका रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है और कहाँ ये रेडियो किस तरह के, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं रेडियो, वहाँ पे यूज होता है। 10 सेंटीमीटर माइक्रोवेव, ये मोबाइल में भी यूज़ हो सकते हैं, 1 mm इंफ्रारेड रिमोट में यूज़ होते हैं, विजिबल लाइट आपकी जो लाइट निकलती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट यहाँ पे आपका यूज़ होती है डिसीज में, एक्सरे आपका एक्सरे के लिए होती है, और गामा रेज बहुत हार्मफुल रेडिएशन होता है। फिर दोबारा वही चीज़ रेंज दी हुई है इसमें,
ये कलर की रेंज दी हुई है अब यहाँ पे, अभी तक हम विजिबल लाइट के जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ नैनोमीटर में आपका ये रेंज दी हुई है, ठीक है। 700 के करीब रेड होता है, 600 के करीब येलो, 500 के करीब ग्रीन, फिर उसका ब्लू और फिर वॉयलेट। फिर रेंज यहाँ पे भी दी हुई है, उन्होंने लिखी हुई है वॉयलेट के लिए इतना होता है आपका, ब्लू के लिए इतना रेंज होता है विजिबल पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, ग्रीन के लिए इतना, येलो के लिए इतना, ऑरेंज के लिए इतना, रेड अमंग दिस ब्लू ग्रीन रेड आर द प्राइमरी कलर। फिर ये आपका प्रिज्म में से जब रिफ्लेक्ट होती हैं, तो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, क्या आपका प्रोसेस है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस ये याद रखो कि 7 कलर में जो हमारी वाइट लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है आपका प्रिज्म के थ्रू। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है सर्वेइंग के अकॉर्डिंग और इस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको इतना ही इसमें पढ़ना है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, रेंजेस क्या होती है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, और हमारे जो विजिबल लाइट है उसमें जो कलर्स हैं उनके क्या क्या आपका क्या कहते हैं उनकी वेवलेंथ क्या क्या है, और आपका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे अभी रेडियो वेव्स का बताया और माइक्रोवेव एक्सरे, बस इतना पोर्शन ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में है 5th यूनिट में, और सब दिवाली के बाद करेंगे। ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट आए हैं, और हाँ जो लेटरल एंट्री अगर कोई आया हो लेटरल एंट्री, तो वो मैंने पहले भी कहा था, पहले तो ये बताओ ये प्रिंस आया सर, प्रिंस क्या टेस्ट दे पाए तुम आज का, मुझे तो लगता है नहीं दिया, नहीं दिया है ना। तो जो भी लेटरल एंट्री है मैंने उनसे कहा था कि लेटरल एंट्री वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ग्रुप बना लें, मेरे को उसमें ऐड कर दें, तो तुम्हारे कई सारे क्विज़ और टेस्ट छूटे हुए हैं, तो मैं तुम्हारा अलग से क्विज़ टेस्ट ले लूँगा, क्योंकि मार्क्स तो जाने ही होते हैं ना। तो लेटरल एंट्री वालों जो भी प्रिंस है, अगर आवाज़ आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कोई और इसको बता दे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले लेटरल एंट्री वाले बच्चों का और मेरे को उसमें ऐड कर ले। ठीक है, आज के लिए इतनी ही क्लास, दिवाली